नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी, आज है मंगलवार और काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने कई दिनों से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं गई थी गाँव में और एक हफ्ता रह के आई हूँ मैं वहाँ पर। वहाँ पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है और आज हो गया है मंगलवार। गाँव से हम परसों आ गए थे संडे में। और ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, इसकी वजह क्या है, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था परसों रास्ते में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे साथ जो हो गया वो हो गया, मैं तो उससे मुझे तो उससे सीख मिल गई है। लेकिन आप भी हमारी YT फैमिली हो, जो भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मैं चाहती हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। अब मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ था। हम परसों आए थे गाँव से, पानीपत से बैठी थी मैं हरियाणा से हूँ। तो पानीपत से दिल्ली के लिए बस आती है कश्मीरी गेट के लिए, तो मैं बैठ ली प्राइवेट बस में। वैसे तो रोडवेज भी आती है, लेकिन वही है, सीट मिल गई थी वहाँ पर, तो मैं बैठ ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई ने बोला भी था कि प्राइवेट में नहीं, रोडवेज में बिठा देता हूँ। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, तो उसमें मैं बैठ ली, चलो कोई नहीं। और मैंने ड्राइवर से भी पूछ लिया था और कंडक्टर से भी, दोनों से पूछा था, दोनों ने हाँ कर दी कि हाँ कश्मीरी गेट जाएगी, बस अड्डे के अंदर जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमें रास्ते में ही उतार दिया। सोनीपत से आगे आता है भालगढ़, वहाँ पर हमको उतार दिया। तो बीच रास्ते में बच्चे भी है छोटे, बैग भी, तो इतनी ज़्यादा गर्मी, भीड़, इतनी ज़्यादा ज़्यादा परेशानी हुई मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं तो आगे से कभी प्राइवेट बस में कभी नहीं बैठूंगी, खास करके जब दूर का सफ़र हो। बहुत दूर पड़ता है यहाँ से, मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ और मायका मेरा हरियाणा में है। तो मैं गई थी हरियाणा में पानीपत में, तो बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। थोड़ी बहुत दूर हो तो चलो चल जाता है, लेकिन इतना बड़ा धोखा, अगर कोई प्राइवेट बस चलाता है, कोई भी है, तो प्लीज़ किसी के साथ ऐसा मत करना। और अगर कोई आपकी फैमिली के साथ ऐसा हो जाए तो आपको अच्छा थोड़ी लगेगा, तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए इतना धोखा। या साफ साफ बोल दो कि हमें वहाँ तक जाना है। और मैं अकेली नहीं थी, कम से कम 25-30 सवारी होंगी जो बस में से उतरी है, उनको भी कश्मीरी गेट जाना था, जिनको बस वाले ने पहले ही उतार दिया, तो सब गालियाँ दे रहे थे। तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। और आज की दुनिया में विश्वास पर ही देखो दुनिया टिकी है, तो आज की दुनिया में विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है, कोई भी भरोसे के लायक नहीं रहा है। बाहर निकलकर तो हम किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है किसी के काम आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को हर जगह की नॉलेज हो, हर किसी को हर कहीं जाने का पता हो। और उन्होंने उतारा था कि यहाँ से कश्मीरी गेट की बस मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर कोई बस नहीं थी। दूसरे मेट्रो स्टेशन दूसरे वाले पर छोड़ रहे थे, जो वैसी भी गाड़ी जा रही थी। तो हमने गाड़ी ली, फिर वहाँ से दूसरे स्टेशन पर गए, फिर उस स्टेशन से मेट्रो से हम कश्मीरी गेट आए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बस मेरा यही कहना है, आगे से प्लीज़ किसी के साथ तो ऐसा ना हो। और प्राइवेट बस में मैं तो कहूँगी बिल्कुल मत बैठो, रोडवेज ही सही है अपनी, उसमें धोखाधड़ी नहीं होती है, झूठ नहीं बोलता है कोई। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो है, आई होप आपको पसंद आए। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है किसी के काम आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।